आज दिनांक 22/7/2020 को जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राज्यपाल दत्तात्रेय भंडारू जी को एक कांग्रेस सेवा दल की ओर से एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उस ज्ञापन में ये जो प्रदेश सरकार ने जो बस किराए में बढ़ोतरी की है, उस निर्णय को आप तुरंत वापस लीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी में हर आदमी का बजट खराब हो चुका है और उस बजट खराब होने के कारण सरकार ने जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। पहले तो पेट्रोल डीजल की मार की, अब बसों का किराया बढ़ा दिया और ये बोझ आम जनता पर डाल दिया। सरकार क्या कर रही है? हम सरकार का विरोध करते हैं और महामहिम राज्यपाल जी को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जो ये आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है कोरोना महामारी का, उसके लिए सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पाई और कईयों के रोजगार छीन गए। जो हमारे भाई चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, दिल्ली में नौकरियां कर रहे थे, उनका रोजगार बिल्कुल छीन गया। तो सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सरकार इनके बारे में सोचेगी तो इनको रोजगार मिलेगा। सब जितने भी आदमी हैं सब घर में बैठे हुए हैं और सरकार ने जो 25% बसों का किराया बढ़ाया है, उसको उस निर्णय को सरकार तुरंत वापस ले। चंबा हलचल के आज के संक में इतना ही। चंबा जिला की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल। कोरोना काल के इस समय में घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर पहने और घरों से बाहर निकलने पर डिस्टेंस जरूर बना के रखें, ताकि कोरोना के प्रभाव से बचा जा सके। धन्यवाद।